मतलब तू ये कह रहा है पापा मैं जहर खाना चाहता हूँ। जहर खिलाओ, जहर मारो, वो जहर है। दूसरी शादी करना जहर है। क्यों जहर है भाई? सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, घर के अंदर ठीक ठाक हो गए, मस्त हो गए। तो भाई तुम्हारे भाई ने भी कटिंग वगैरह करवा ली थी, कॉलेज से आ गया था, और उसके बाद में फिर ये फिर बाल वाल ऐसे गंदे पड़े रहते हैं, फिर मैं सो गया, रेस्ट थोड़ा सा उठाऊँ। तो भाई शिवानी जो है वो भी आई नहीं है। आप जो भी इससे अगली वीडियो देख रहे हो वो उसके अंदर वो आ जाएगी। तो भाई इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर सच बताऊँ तो एक ऐसी चीज़ होने वाली जो अभी तक हुई नहीं है भाई। मैं पापा के ऊपर प्रैंक करने वाला हूँ, सच बता दूँ भाई, पापा के ऊपर एक प्रैंक सोचा है मैंने फटाफट से, तगड़ा सा दिमाग में आया मेरे को अभी। मैंने सोचा था आज व्लॉग रहने देता हूँ मैं, तो मैंने कहा निकाल देता हूँ, एक वीडियो निकल जाएगी भाई अपनी। तो ये प्रैंक वीडियो होगी पापा के ऊपर। मैं पापा को क्या बोलूँगा, पापा को मैं ये बोलूँगा कि पापा मेरे को ना दो शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है एक और, ऐसे ऐसे करके बात थोड़ी सी खींच दूँगा। कहूँगा मेरे को ना एक शहर वाली मिल गई, एक मेरे को गाँव वाली भी चाहिए। भाई साहब तुम देख लो रिएक्शन, भाई सच में पापा का जो रिएक्शन होगा अलग ही लेवल का रिएक्शन होगा। मैं जानता हूँ ना पापा को, पहली बात तो पापा को पता नहीं काफ़ी दिन हो गए इस घर में यहाँ पे प्रैंक व्रैंक हुई नहीं है, वो वहीं पे हुए थे, वो शिवानी के घर पे प्रैंक हुआ था। तो अभी पापा को मैं बुलाऊंगा चुपचाप से, कैमरा वगैरह मैं सेट कर देता हूँ, पापा इतना दिमाग लगाएंगे भी नहीं। मैं बात इस तरीके से बोलूँगा ना, तुम देखते रहना, बस हंसी तो मेरे को आती रहेगी थोड़ी बहुत, पहले मैं मजाक में बोलूँगा फिर थोड़ा थोड़ा मैं सीरियस हो जाऊँगा, आप सब देखते रहना भाई। मैं थोड़ा सा अंदर से बहुत बहुत अजीब सा हो रहा है मेरे को कि भाई पापा का रिएक्शन क्या होगा, पापा का रिएक्शन क्या होगा। चलो गाइस फटाफट से कैमरा सेट कर देते। तो गाइस कैमरा कर दिया मैंने सेट, यहाँ पे आपको दिख गया होगा, मैं ज़्यादा छुपा के ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि पापा का ध्यान नहीं जाएगा, पहली बात तो मैं सच बता दूँ तो, बिकॉज क्योंकि ना ये मैंने एक कपड़े के पीछे ऐसे करके छुपा रखा है, दिखेगा नहीं, और इसके अंदर कवर वैसे मेरे फ़ोन के अंदर। तो गाइज अभी मैं पापा को बुलाऊंगा, ठीक है, पापा उस वाले कमरे में बात कर रहे हैं, मौसी पापा मम्मी तीनों बात करूंगे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आ रही है ना मौसी की आवाज़, बात बात कर रहे हैं। तो भाई अभी मैं चुपचाप से यहाँ से बोलूंगा पापा को इस वाले रूम से कि पापा आना एक बार, तो पापा इधर इस वाले रूम से आएंगे निकल के, ठीक है, तो आप देखते रहना, कर देते भाई, मेरे को पता नहीं क्या होने वाला, पर लिखवा के ले लो, मज़ा आप सबको बहुत आने वाला है मेरी बातों में और पापा की बातों में, देख लेना। तो भाई चलो मैं बुलाता हूँ, देखना पापा आ जा। मैंने बोल दिया पापा को और पापा आने वाले हैं, वेट करते हैं, उधर से किस वाले रूम से इधर से आएंगे, उधर से रूम देख लेना क्या मजा आएगा भाई। पंखे बंद कर दे, मच्छर कहाँ से आ गए बादल, क्या कर रहा है? मच्छर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मच्छर हो गया बादल, पंखे चला रहा हूँ, गर्मी इतनी हो गई, ऐसे चला देते हैं पंखा भी, रहने देते हैं, ऐसे चला पंखा चला। और पेपर कैसा होता था? पेपर बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। ओए क्या है, यहाँ बैठ जाओ ना ऊपर, यहाँ अरे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ मैं नहीं, ठीक है, मतलब बेड पे बैठना, बेड पे बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, जोन 24 में आ रहा है, ठीक है चलो भाई। अरे यार मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे, बोल अरे भाई बदल यार, जैसे कि इधर दिल्ली की जैसे शहर टाइप की कोई लड़की हो गई है ना, शहर मेरी शादी हो गई शहर वाली लड़की से, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार एक गांव वाली लड़की और चाहिए, मतलब एक गांव वाली लड़की से और शादी करनी है मुझे। अच्छा मतलब मैं दो शादी करना चाहता, हिंदू समाज में नहीं होता सर, हिंदू समाज में नहीं होता वो, ठीक है बट हिंदू समाज में नहीं होता, हमारे खानदान में नहीं होता, और ये चीजें नहीं होती ना, एक ही शादी होती है यार, दो शादी हो जाएंगी तो सही हो जाएगा ना, जैसे कि काम वाम का कुछ भी हो जाएगा मेरे बारे में। अच्छा काम से पहले शादी कर दी होगी मन तेरी, फिर भी यार एक होता है यार, हमारी शिवानी बेटी इतनी समझदार है, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, वो तो अच्छी है, बिल्कुल क्या चाहिए,
पर फिर भी यार मैं चाहता हूँ जैसे उस शहर की आ गई तो गांव की लड़की हो रहे वो गांव वाले की भी हो जाए फिर तो हम लोग मजाक कर रहे हैं मजाक क्या करूंगा मैं सब बता रहा हूँ मैं सोच रहा था कि दो शादी कर दो शादी कर लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी हमारे हिंदू समाज में भी हमारे घर में भी हर चीज एक ही शादी होती है। आप एक चीज समझ नहीं रहे कि भाई मुझे दो शादी करूंगा तो मैं ठीक रहूंगा। अच्छा हाँ मेरे को दो शादी करनी है और खुश रहना है। थप्पड़ थप्पड़ की बात नहीं यार सच में दो शादी हमारे खानदान में हमारे खानदान ने किसी ने शादी नहीं करी तो मैं चाहता हूँ मैं दो शादी करूँ। नितिन ऐसा है कि मुझे ये मजाक पसंद नहीं। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं सच में बता रहा हूँ मैं आपको कि दो शादी करनी मुझे ठीक रहेगा उसके बाद दोनों यहाँ पे रह लेंगी हिसाब से मैं रख लूंगा। एक शहर वाले सुन यार मनजीत की शादी करा दी तेरी शादी करा दी अब बस ओस्कर बादल बचे इनकी शादी करा सकता हूँ। अभी तूने शादी का नाम लिया तो तोड़ के तो बना दूंगा यार भाई शादी शादी शादी। अरे यार एक शादी हो गई मैं चाहता हूँ एक और हो जाओ क्योंकि वो गांव वाली का मतलब एक होता है सारे सुशील सुशील की गांव वाली होती है जो नहीं, तेरे सारे ही मतलब जो तू बातें करता पता नहीं इंसान वाली करता नहीं बातें शादी यार थोड़ा समझो यार मेरे को करनी शादी मुझे उससे कुछ नहीं पता मुझे शादी करनी एक और ऐसे काम चलेगा ही नहीं यार। तेरी हर बात मान लेता हूँ इसका मतलब तू मर भाई बोल रहा है तो एक बीवी एक पति समझ गया। अरे वो तीसरा पहिया नहीं अकल अटे जीवन की गाड़ी पे वो ठीक है बट यार सुनो मैं चाहता हूँ कि एक लड़की और आ जाएगी दिक्कत क्या हो जाएगी। दिक्कत माँ दिक्कत है क्या दिक्कत है माँ तू पागल है क्या ठीक है सारी बात मान ली अब तेरी शादी हो गई है तो एक शादी हो जाएगी दिक्कत क्या हो जाएगी। अच्छी बिटिया की शादी हो गई है तो मैं दूसरी बच्ची हमारी बहुत अच्छी ना ना शिवानी लाखों करोड़ों से अच्छी है करोड़ों से अच्छी लड़की एक और ले आऊंगा शिवानी से अच्छी इस दुनिया में इंडिया में नहीं इस दुनिया में कोई लड़की नहीं है। वो ठीक है पर उससे अच्छी मैं ले आऊंगा ढूंढेंगे। मैंने एक बार देखी थी तभी मेरे को पसंद आ गई थी मेरे को हाँ इससे अच्छी कोई नहीं मुझे बातचीत हुई बहुत अच्छी यार एक बात होता है अब तो चार साल हो गए चार साल करो चार महीने हो गए शादी हो हमारे ब्लॉग वगैरह अच्छे चल जाएंगे तो ब्लॉग बोली हम लोग के लिए वैसे हम जिंदगी खराब कर देंगे अपनी अपनी इज्जत खराब कर देंगे खराब हो जाएगी दो शादी में पहले पुराने जमाने में लोग नहीं करते पुराने जमाने में करते होंगे जब ये नहीं था मुझे नहीं कह सकता तू घर से निकल जाएगा देखो बांध के मारूंगा कोर्ट मैरिज कर लूंगा मैं बांध के मारूंगा मैं कोर्ट में सोच रहा हूँ भाई आज के टाइम पे सब कुछ चालू है तो कोर्ट मैरिज हो जाएगी कद तरह तू बांध रहा देख लेंगे कोर्ट मैरिज कोर्ट मैरिज हो सकती मैं कर लूंगा नहीं जब तक बीबी है तो कोर्ट मैरिज कर सकते आगे ले आऊंगा यार जब एक कह रहे हो गांव वाली लड़की आ जाएगी तो दिक्कत क्या हो जाएगी। कल बोला एक मुझे राजस्थान के चाहिए एक मुझे एमपी के चाहिए एक मेरा तू इंसान है तो राक्षस है तेरे भाई मुझे नहीं पता मैं करूंगा करके दिखा तू अभी हम जिंदा हो तो ना समझा जिंदा हो जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तो शादी तो बहुत दूर की बात है सोच दे नहीं दूंगा फिर दिक्कत क्या है शादी हो जाएगी हमारे पास बिटिया रही है तो बेटिया एक और बेटिया आ जाएगी ना, ना, ना मुझे तो और बेटी जरूरत नहीं है मेरे को मेरे पास दो हैं एक मनजीत की एक तेरी बात कर मैं एक और तीसरी भी लाके दिखाऊंगा तू लाके दिखा लाके दिखाऊंगा मैं ओ सुन अरे बार जीत बोल लोगे मैं मार दूंगा उसे देख ले लाके दिखाऊंगा मैं कितना मार लूं भाई मेरे को पसंद आ गई ये तू दिखा मेरे को पसंद आ गई दिखा तो फिर हां कर दोगे हां उसको बंद करा दूंगा जेल में वो मेरे को बस वो बहुत अच्छी लड़की है दूसरी शादी कर लेता हूँ सही रहेगा सब कुछ सारे ब्लॉग वगैरह चल जाएगा पर अगर तेरे मम्मी पता लगा तो पहले तो तेरे को मारेगी फिर रोएगी मम्मी को भी मना लेगी धीरे धीरे जब भी तो आपको बुलाया यहाँ बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले आपसे बात करके फिर धीरे धीरे मतलब तू ये कह रहा है पापा मैं जहर खाना चाहता हूँ जहर जहर है दूसरी दूसरी शादी करना जहर है क्यों जहर है भाई ऐसे थोड़ी कुछ होता है दूसरी शादी जहर करना मतलब
बच्चों काम कुछ दिक्कत की बात नहीं है, दो हो जाएंगी, मैं झेल लूंगा भाई। तू कौन है झेलने वाला? मैं झेल लूंगा, पति हूं उनका, मैं झेल लूंगा। ऐसा है, जब मैंने शादी करी तेरी तो मेरे पूरी फैमिली, वो एक दो बंदों की शादी नहीं होती है, वो पूरी दो परिवारों की शादी होती है, समझा? उसमें हमारी इज्जत है। मैं तेरी ताने काट के ऐसा ऐसा पाइज करके बेड बढ़ा दूंगा, अगर तू पेशाब करने लायक नहीं हो जाएगा तो करके देगा, शादी कैसे कर लेगा तू? चल नहीं पाएगा, शादी कैसे कर लेगा? मैं करूंगा, बस मैं मार दूंगा वाला, मैं करूंगा, देख लो कितना कुछ कर लो, मैं करूंगा। 800 यार, एक शादी दूसरे में करने में क्या दिक्कत है यार? एक आदमी एक तो एक इज्जत होती है। अरे बहुत इज्जत है, मैं मजाक कर रहा था यार। जो लड़की है ना, जो हमारे यहाँ बिटिया जो शादी करके आई है, उसके लिए वहाँ बाबा हमारे कैमरा है सामने, में मजाक कर रहा था, देखो छुपा रखा था, देखा ही नहीं यार। इज्जत थोड़ी खराब हुई, मैंने बता पहले बता दिया सब कुछ लोगों को। भाई साहब मजा आ गया प्रैंक के अंदर, बताओ सीरियस हो गया हमें, सीरियस दिल धड़कन देखते जाओ यार, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मेरी भी तेज हो रही है। कोई इज्जत की बात नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक भाई देख, नहीं हाँ। मेरी सुन ले, मैं जिंदा रहूंगा जब तक, मैं ये नहीं कह रहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम जिंदा रहोगे, एक ही शादी करोगे, हो गई। अब वो यहाँ मालकिन है, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही वाइफ है मेरी, वही जिंदगी है मेरी, है ना भाई? जैसे तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ ऐसे तुम चल जाता। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई फुल एंड करेंगे, लेकिन ये बात इतनी बड़ी चीज है, इनमें इज्जत भी तो चीज होती है, इनको राजा महाराजा वो पुरानी चीज की नहीं है, मतलब जो समाज है उसके साथ चलो। सही बात है, तो भाई जो समाज है अपने एक भी सबसे अच्छी, उसी को इससे प्यार करो, वही तुमसे प्यार करेगी, वही खानदान की इज्जत करेगी, वही सब कुछ करेगी। तो गाइस आज के प्रैंक को करते हैं यहीं पे खत्म। पापा के ऊपर बहुत खतरनाक सा प्रैंक हो गया एकदम से, कर दिया पापा को प्रैंक, आप पे कहने में किया मैंने, पापा तो कहीं मार्केट जा रहे थे, मैंने बुलाया मेरे पहले भाई, बहुत आप पे कहने में मैंने कर दिया गाइस। तो गाइस आज के प्रैंक को करते हैं खत्म, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, क्या तो पापा सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना बस, पापा कहने में चल सब्सक्राइब कर देना, मिलते नेक्स्ट प्रैंक में, ऐसा प्रैंक मत बनाया। ओके ओके, बाय बाय बाय।